हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चंद्रगुप्त नाटक का जो है आज हम आलोचना करेंगे प्रथम अंक का प्रथम दृश्य। तो इससे पहले आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चंद्रगुप्त का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप पात्र परिचय नहीं जानते हैं, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में नहीं जानते हैं, फिर जो है इस वीडियो को देखकर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, चंद्रगुप्त प्लेलिस्ट, सबसे पहला वीडियो मेरा अपलोड है चंद्रगुप्त प्लेलिस्ट पे, देखना के पात्र परिचय, ऐतिहासिक जगह और घटनाक्रम। उस विषय को देखने से, उस वीडियो को, आपके मन में जो है पात्र परिचय, इसके जो जो कैरेक्टर हैं आपके मन में जो है सेटिंग हो जाएगा। फिर जो है आप इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखनी जरूरी है, वरना इस वीडियो आपके दिमाग के ऊपर से बाउंसर हो सकता है। चलिए समझते हैं हम जो है इसका पात्र परिचय। और आपको बता दूं, 2022 सीबीटी के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हो, आईआईटी के लिए इनिशियल अपॉइंटेड टीचर सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है, तो लाइव क्लास शुरू हो चुका है। अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोसीजर बता दूंगा लाइव क्लास से कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो आज हम आलोचना करते हैं चंद्रगुप्त अंक एक, दृश्य एक। चंद्रगुप्त पहले अंक पे 11 दृश्य है, दूसरे अंक पे 10 दृश्य है, तीसरे अंक पे 9 दृश्य है, चौथे अंक पे 14 दृश्य है। तो इससे पहले सामान्य परिचय आप वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, देख लिए हैं, बहुत बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक एक पात्र को समझ गए हैं। आज हम आलोचना करेंगे चंद्रगुप्त अंक एक, दृश्य एक। देखिए, अंक एक में 11 दृश्य है। अब दृश्य एक में कितने कैरेक्टर हैं? एक है चाणक्य। क्या बातचीत होती है, बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ कर जाएंगे, यहाँ से चिंता मत कीजिए। हाँ, दृश्य एक पे क्या है, अंक एक हम अभी समझ रहे हैं, चाणक्य सिंहरण, इन दोनों की बातचीत होती है, ठीक है। और कहाँ पर, ये तक्षशील है, ये गांधार। देखिए, मैं ऐतिहासिक जगह पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो पे, ठीक है, उस वीडियो देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये गांधार है और इसमें एक गुरुकुल है जिसका नाम है तक्षशील। ये मालवा का एरिया है और ये मगध है, ठीक है। यहाँ पर पर्वतेश्वर जो राजा हैं, हाँ, यहाँ पर पंचनंद देश के, पंजाब जिसको पांच नदियों का देश कहा जाता है, उसके राजा कौन थे उस समय, पौरश थे, ठीक है। तो सिंध नदी आपको बता दिया हूँ, सिंध नदी पहले वीडियो पे आपको डिटेल्स बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस घटना पे क्या होता है, अंक एक पे क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट पे बता रहा हूँ, फिर आपको डिस्क्रिप्शन करके बता दूंगा, ठीक है। सिंहरण और चाणक्य में बातचीत होती है, कहाँ पर, गांधार पे, तक्षशील गुरुकुल में, ठीक है। तक्षशील गुरुकुल की एक जगह पर बातचीत करते रहते हैं कौन, चाणक्य और सिंहरण। अचानक प्रवेश होता है वहाँ पर किसका, अलका और अंभीक का। अंभीक कौन है, गांधार नरेश का पुत्र, यानी गांधार का राजकुमार। तक्षशील गुरुकुल के एक जगह पर प्रवेश करता है जहाँ पर चाणक्य और सिंहरण दोनों बातचीत करते होते हैं आपस में। अलका जो राजकुमारी है, राजकुमार कौन है, अंभीक जो राजकुमार है, दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। और बहस हो जाती है किसके साथ, चाणक्य और सिंहरण के साथ चंद्रगुप्त का बहस हो जाती है, चंद्रगुप्त की। उसके बाद बहस इतनी बढ़ती है, बातचीत इतनी बढ़ जाती है आगे तक, चंद्रगुप्त जो है, सॉरी, अंभीक जो है अपना तलवार खींचता है और इसको बोलता है, किसको, सिंहरण को बोलता है कि तुम्हें जो है मृत्युदंड मिलेगी, बोलकर वार करने लगता है। उस समय चंद्रगुप्त प्रवेश हो चुका होता है और चंद्रगुप्त रोकता है, फिर अंभीक वहाँ से चला जाता है। मैं आपको अब जो है डिटेल्स पे बताऊँगा। फिर अलका और सिंहरण में बातचीत होती है, ठीक है। ये है अंक एक और दृश्य एक। अब देखिए शुरू होता है यहाँ से, कहाँ, बात कहाँ की है, ये गांधार की। अंक एक, दृश्य एक में गांधार तक्षशील गुरुकुल की बात कही गई है। अगर आप अंक एक का दृश्य दो देखेंगे तो वहाँ पर मगध की बात कही गई है। आज हम आलोचना कर रहे हैं अंक एक, दृश्य एक को। गांधार का गुरुकुल है तक्षशील, जहाँ पर चाणक्य
क्या पढ़ाते थे बच्चों को? अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, ठीक है। एक नंबर में जो वीडियो है, पहला वीडियो सामान्य परिचय चंद्रगुप्त का, उसमें मैं डिटेल्स बता दिया हूँ कौन पात्र का क्या रोल है इस नाटक पे। तो चाणक्य क्या करते थे? चाणक्य वहाँ पर जो है अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। कहाँ पर? तक्षशील के गुरुकुल पर, जहाँ मालवा वाले भी जाकर पढ़ते थे, मगध वाले भी जाकर वहाँ पर पढ़ाई करते थे। सभी स्टूडेंट यहाँ से जाते थे तक्षशील को पढ़ने के लिए। तो अर्थशास्त्र पढ़ाते थे चाणक्य। तो दृश्य कहाँ से शुरू होता है? एक नंबर दृश्य चाणक्य और सिंहरण। सिंहरण कौन है? मालवा का कुमार है, मालवा के राष्ट्रपति का बेटा है सिंहरण। सिंहरण और चाणक्य में बातचीत होती है। चाणक्य बोलते हैं सिंहरण को कि मुझे जो है आज्ञा मिली है, अब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। बस इस स्नातक का लास्ट बैच जो है तुम लोगों को मैं पढ़ाकर जो है गुरु दक्षिणा चुका दूंगा। तुम लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे आज्ञा मिली है कि मैं गृहस्थी बन जाऊंगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। तो वहाँ पर सिंहरण क्या बोलते हैं चाणक्य को कि गुरुदेव आचार्य, हमें जो है अर्थशास्त्र की अपेक्षा अब अस्त्र शस्त्र शिक्षा की भी ज़रूरत है, ठीक है। कौन बोलते हैं? सिंहरण बोलते हैं कि हमें जो है अर्थशास्त्र की तो ज़रूरत है ही, उसके साथ साथ हमें ज़्यादा ज़रूरत है अस्त्र शस्त्र की, हमें ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है पूछते हैं, और सिंहरण और एक चीज़ बोलते हैं कि आचार्य जी, मैं इसलिए जो है अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि गुरुदेव मैं इसलिए जो है अर्थशास्त्र में पिछड़ा हूँ, हमें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद चाणक्य सिंहरण में बातचीत होती है। चाणक्य बोलते हैं यवन दूत को जानते हो? किससे पूछते हैं? सिंहरण से पूछते हैं। सिंहरण जो मालवा का कुमार है, जाकर कहाँ पढ़ाई करता था? तक्षशील पे करता था, और उधर से आक्रमण होने की संभावना किसकी थी? यवन लोग जो है उधर से आक्रमण करते, ग्रीक विजेता अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर। तो यहाँ पर चाणक्य पूछते हैं सिंहरण को कि यवन दूत को जानते हो? तो सिंहरण बोलते हैं कि मैं उन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चाणक्य बोलते हैं वो लोग क्यों आए हैं तुम जानते हो? बोलता है कि जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ। सिंहरण बोलते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि आर्यव्रत के विषय में कुचक्र रचा जा रहा है पूरा देश। आर्यव्रत मतलब पूरा देश, मगध हो, मालवा हो, गांधार हो, पंचनंद का देश हो, सारे को आर्यव्रत बोला जाता था। तो सिंहरण बोलते हैं कि महाशय गुरुदेव मैं जानता हूँ, मैं यवनदूत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्यव्रत का जो है भविष्य जो है इसका कुचक्र रचा जा रहा है, इसको सर्वनाश करने के लिए जो है कुचक्र रचा जा रहा है। मैं यवनदूत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है जो एक अचानक एक भयानक विस्फोट होगा। तो दोनों में बातचीत होती रहती है, किस में? सिंहरण और चाणक्य में। चाणक्य जो वहाँ के जो हैं शिक्षक थे, ठीक है, गुरु थे, सिंहरण जिनका छात्र था। सिंहरण और चाणक्य में बातचीत होती है। जैसे चाणक्य ये चीज़ सुनते हैं, जैसे सिंहरण ये चीज़ बोलते हैं, क्या चीज़? कि मैं जानता हूँ कि आर्यव्रत का भविष्य के विषय में कुचक्र लिखा जा रहा है, और अचानक एक भयानक विस्फोट होगा। इतना बोलना था कि सहसा अचानक अंभीक और अलका का प्रवेश होता है वहाँ पर। अंभीक कौन है? जो गांधार का राजकुमार, गांधार नरेश का बेटा है, राजकुमार है वहाँ का। अलका उसकी बहन जो राजकुमारी है। तक्षशील के मठ पर, गुरुकुल के मठ पर अचानक प्रवेश होता है किसका? अंभीक और अलका का। जिस समय चाणक्य और सिंहरण में बातचीत होती है, सिंहरण यही सेंटेंस बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ कुचक्र रचा जा रहा है, एक अचानक जो है भयानक विस्फोट होगा। उसी समय जो है प्रवेश होता है अंभीक और अलका का। अंभीक सुनता है कि कुचक्र रचा जा रहा है, विस्फोट होगा, तो पूछता है कि क्या विस्फोट होगा, तुम किस विस्फोट के विषय में बातचीत कर रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? सिंहरण बोलता है कि मैं एक मालवा हूँ। फिर अंभीक बोलता है कि नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है, सिर्फ मालवा बोलने से नहीं होगा, विशेष परिचय चाहिए। तो वहाँ पर जो है अंभीक बोलता है, सॉरी सिंहरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं जो है मालवा का रहने वाला हूँ, और तक्षशील के गुरुकुल का एक जो है छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ तक्षशील के गुरुकुल का। तो चाणक्य की तरफ देखकर बोलता है कौन? अंभीक बोलता है कि तुम सब यहाँ पर मिलकर कुचक्र रच रहे हो,
भयानक विस्फोट होगा, अचानक विस्फोट होगा। कैसा विस्फोट होगा? आप लोग क्या सब मिलकर जो है गांधार के बारे में कुचक्र रच रहे हो, तक्षशिल गुरुकुल के मठ पर पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, और मेरे ही देश के विषय में कुचक्र रच रहे हो, मेरे ही देश का विस्फोट करने की बात कर रहे हो, भयानक विस्फोट होगा। तो वहाँ पर सिंहरण बोलते हैं कि छात्र जो है कभी जो है कुचक्र नहीं रचते, हम कुचक्र के विषय में जो है नहीं पढ़ते। और वहाँ पर जो है सिंहरण और किसके बीच, आम्भिक के बीच जो है बहस हो जाती है, बात आगे बढ़ती है। आम्भिक जो है चाणक्य को भी बोलता है कि मेरे देश में रहते हो, मेरे अन्न से पलते हो, मेरा खाना खाते हो, और मेरे देश के विषय में जो है कुचक्र रच रहे हो। चाणक्य वहाँ जवाब देते हैं कि ब्राह्मण किसी के देश पे नहीं रहता, किसी का अन्न नहीं खाता, उसके पास बहुत कैपेसिटी होती है, फिर भी अपने आप को क्या करता है, यानी सारा चीज़ भूलकर जो है छात्रों को विद्या दान करता है, पढ़ाता है। ये तुम्हारा भ्रम है कि हम जो है तुम्हारा अन्न खा रहे हैं, तुम्हारे राज्य में जो है निवास कर रहे हैं। तो चाणक्य और आम्भिक के बीच भी बहस हो जाती है, आम्भिक और सिंहरण के बीच भी बहस हो जाती है, ठीक है। तो बहस इतनी बढ़ती है तो आम्भिक बोलता है कि मेरी आज्ञा है, तुम बताओ किस विस्फोट की बात कर रहे थे। सिंहरण बोलते हैं कि कोई विस्फोट की बात ऐसी नहीं है। सिंहरण मतलब परोक्ष तौर पर जो है इशारा कर देते हैं यवन दूत के विषय में कि यवन दूत जो है आक्रमण करेंगे, परोक्ष तौर पर जो है इशारा कर देते हैं आम्भिक को। लेकिन आम्भिक जो है अधिक क्रोधित हो जाता है सिंहरण के कुछ व्यंग से, जो है कुछ व्यंग करके सिंहरण बात करते हैं उससे जो है आम्भिक क्या करता है, ने आम्भिक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, और इतना क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर बोलता है कि मेरे अपमान करने का, क्योंकि सिंहरण की बातचीत से, व्यंग वाले बातचीत से आम्भिक जो है बहुत गुस्से में आ जाता है, और सिंहरण से बोलता है कि मेरे जो तुमने मुझे व्यंग करके बातचीत करी है, मेरी अपमान की है, तो इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भोगना होगा, तुम बंदी हो। तो वहाँ पर सिंहरण बोलता है कि मालवा कभी बंदी नहीं हो सकता, मालवा जो है निर्भीक तौर पर बात करता है, और यहाँ पर जो है केवल गुरुदेव जो हैं, आचार्य जो हैं, उनकी आज्ञा जो है सबसे ऊपर होती है, उनकी आज्ञा मानी जाती है। तो सहसा जो है उस समय फिर चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, ठीक है। चाणक्य और सिंहरण ये दोनों बातचीत कर रहे थे, प्रवेश किसका हुआ अचानक, आम्भिक और अलका का। फिर आम्भिक और सिंहरण के बीच में जो बहस हो गई, आम्भिक और चाणक्य के बीच में जो है बहस हो गई, उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, मेरे अपमान करने की तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। सहसा अचानक जो है चंद्रगुप्त का वहाँ प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोलते हैं कि किस लिए मृत्युदंड मिलेगा, किस लिए सजा मिलेगी, कि एक निराशय है, एक दूर से आकर तुम्हारे तक्षशिल के गुरुकुल के मठ पर पढ़ रहा है, और तुम यहाँ के राजकुमार हो, इसलिए उसे मृत्युदंड मिलेगी। चंद्रगुप्त जो है इस बात को बोलते हैं, आम्भिक जो है क्रोधान्वित होता है और अपना खड निकालता है, वार करता है किसके ऊपर, सिंहरण के ऊपर वार करता है। चंद्रगुप्त बीच में आते हैं और उसको तलवार से चंद्रगुप्त वहाँ पर रोकता है, और सिंहरण के हाथ से, सॉरी आम्भिक के हाथ से जो है तलवार छूट जाती है। आम्भिक अब जो है निरुपाय है, अब निहत्ता खड़ा होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की अपेक्षा करता है, और सिंहरण बोलता है किसको, चंद्रगुप्त को, के जाने दीजिए, इसको जो है छोड़ दीजिए। और चाणक्य उस समय बोलते हैं किसको, अलका को, जो आम्भिक की बहन है। चाणक्य बोलते हैं कि इसे लेकर, क्रोधान्वित राजकुमार को लेकर अलका तुम यहाँ से चली जाओ, मैं गुरुकुल का आचार्य और मैं जो है आपको आदेश दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, क्रोधान्वित आम्भिक राजकुमार को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ, अलका को बोलते हैं। अलका अपने भाई को लेकर जो है वहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद जो है चंद्रगुप्त, सिंहरण और चाणक्य के बीच में बातचीत होती है। चाणक्य वहाँ पर बोलते हैं, हाँ और एक चीज़ मैं छोड़ दिया, चंद्रगुप्त, चाणक्य जिस समय आम्भिक से बहस हो रही थी, चाणक्य बोलते हैं उसे कि आर्यव्रत का भविष्य जो है, भविष्य के विषय में जो है कुचक्र रचा जा रहा है, और आर्यव्रत की जो जाति है वो पतन के कगार पर खड़ी है और एक धक्के का इंतजार कर रही है। आम्भिक जो है गुस्से में आकर बोलता है कि आप उस धक्का देने के लिए तैयार हैं, विद्यार्थी को धक्का देना सिखा रहे हैं। चाणक्य बोलते कि कुछ ऐसा यहाँ पर सिखाया नहीं जाता, यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो अलका आम्भिक को लेकर जो है चली जाती है,
ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर बनता है, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करने बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो वहाँ से जो है अलका अम्भीक को लेकर चली जाती है। अब जो है चाणक्य, सिंहरण और चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। ठीक है, 2022 बैच के लिए लाइव क्लास शुरू हो चुका है IIT के लिए, जो CBT एग्ज़ाम होता है। आप अगर करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अलका अम्भीक को लेकर चली जाती है। अब जो है चाणक्य, सिंहरण और चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। चाणक्य बोलते हैं कि एक जो है यवन दूत को देखना, आने वाले समय में अम्भीक इनका स्वागत करेगा। ठीक है, उस समय उस तरफ से जो आया था, हाँ सिकंदर आया था, ग्रीक विजेता, हाँ यहाँ लड़ाई हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ पिटाई हो गई उसकी। हाँ मैं पहले सामान्य परिचय में आप लोगों को बताया हूँ। तो चाणक्य क्या बोलते हैं कि पूरा आर्य जाति जो है पतन के कगार पर खड़ी है। तो चंद्रगुप्त बोलता है नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं होगा। चाणक्य बोलते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, पूरा कुचक्र रचा जा रहा है, देखना एक दिन अम्भीक जो है स्वागत करेंगे। तुम लोग सब भूल जाओ कि मैं मालवा हूँ, मैं मगध वाला हूँ, ये सब भूल कर तुम बोलो कि मैं आर्यव्रत वाला हूँ, यानी पूरा देश मेरा है, मगध भी मेरा है, पंचनंद नरेश पौरुष जो है उस देश भी मेरा है, हाँ मालवा भी मेरा है, मगध मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये सारी चीज़ को भूल कर तुम आर्यव्रत होने पर गर्व करो। तो वहाँ पर चाणक्य, सिंहरण और चंद्रगुप्त के बीच जो है बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। सिंहरण वहाँ पर जो है एक अकेले रहते हैं और अचानक फिर अलका का प्रवेश होता है। अलका जो तक्षशिल की राजकुमारी है, गंधार की राजकुमारी है, हाँ तक्षशिल गुरुकुल मठ का यह दृश्य है। अलका का प्रवेश होता है। अलका का प्रवेश होने के बाद जो है अलका और सिंहरण के बीच बातचीत होती है। अलका वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है सिंहरण से बड़े प्यार से, बड़े स्नेहपूर्ण, बड़े आदर के साथ कि तुम यहाँ से अभी जो है अब तक तुम तक्षशिल छोड़कर नहीं गए, हाँ तुम जो है गंधार छोड़कर अब तक नहीं गए। तो बोलते हैं सिंहरण, सिंहरण क्या बोलता है कि मैं क्या यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। अलका बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्रोधान्वित राजकुमार को लेकर अम्भीक को चली गई थी, बोलती ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम यहाँ से जो है चले जाओ। उसके बाद जो है अलका और जो है सिंहरण के बीच बातचीत होती है। हाँ सिंहरण बताता है कि देखिए कुचक्र रचा जा रहा है, ये लोग आक्रमण करेंगे, यवन दूत जो है आक्रमण करेंगे और पूरे आर्य जाति का विनाश करने के लिए यवन दूत जो है आए हैं। लेकिन अलका बोलती है कि ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं अम्भीक को समझाऊंगी कि इनको वेलकम ना करे, इनका साथ ना दे। हाँ और उसके साथ सिंहरण बोलता है कि उत्तर प्रांत के जो राज्य हैं ना, इनमें जो विद्रोह और इनके विद्रोह की वजह से देखना अम्भीक यवन दूत का स्वागत कर देगा। तो अलका बोलती है ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं समझाऊंगी, अगर आवश्यकता पड़ी तुम्हारी ज़रूरत भी पड़ेगी, अभी जो है तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद जो है सिंहरण बोलता है कि तुम्हारा जो है आदरपूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यवहार और स्नेहपूर्ण रिक्वेस्ट के लिए मैं यहाँ से जो है जाता हूँ। उसके बाद अलका जो है उसका परिचय पूछती है, वो बोलता है कि मालवा के राष्ट्रपति का मैं बेटा हूँ। इतना बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से जो है प्रस्थान कर लेता है कौन, उसके साथ सिंहरण। और एक बात बोलता है कि केवल आर्यव्रत की मुझे चिंता है, मुझे गांधार की भी चिंता है, क्योंकि गांधार जो है ये आर्यव्रत से अलग नहीं है, इसलिए मुझे जो है पूरे आर्यव्रत की चिंता है, मुझे गांधार की भी चिंता है, गांधार भी मेरा देश है, मालवा भी मेरा देश है, मगध भी मेरा देश है, पूरा आर्यव्रत जो है मेरा देश है। अलका और सिंहरण के बीच बातचीत होती है, स्नेहपूर्ण आवेदन अलका का, और वहाँ से जो है एक दूसरे को देखते हुए किसका प्रस्थान हो जाता है, ना सिंहरण का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होगा। अंक एक, दृश्य एक आप समझ गए, जो तक्षशिल के गुरुकुल मठ का दृश्य था, और दृश्य दो भी जो है मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊँगा। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने को भूलिए मत। और लाइव क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है 2022, इनिशियल अपॉइंटी टीचर ओडिशा जो है आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चले मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।